A drum winder of radius 2.5 meter draws a power of 308 kilowatt when the maximum rope speed is 7 meter per second. The RMS torque in kilo newton meter is. Question में दिया है, radius of drum winder is equals to 2.5 meter. Power of winder is equal to 308 kilowatt. Rope speed is equal to 7 meter per second. अपने को पता है, power is equals to force multiplied by velocity. But winding rope के केस में, force winding rope पे लगने वाले tension के equal होगा. यानी अपन बोल सकते हैं कि पावर ऑफ वाइंडर इज इक्वल्स टू टेंशन इन रोप मल्टीप्लाइड बाय रोप स्पीड. यहां से आ जाएगा टेंशन इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय रोप स्पीड. अपने को ये भी पता है कि आरएमएस टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. बट वाइंडिंग रोप के केस में अपन बोल सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ड्रम वाइंडर क्रॉस टेंशन इन रोप. अब यदि टी के जगह में पी बाई वी रख देंगे तो फाइनली आरएमएस टॉर्क इज इक्वल्स टू आ जाएगा आर क्रॉस पी बाई वी. अब सारे वैल्यूज को पुट करते हैं, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 308 डिवाइडेड बाई 7. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 110 किलो न्यूटन मीटर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आरएमएस टॉर्क इज 110 किलो न्यूटन मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बेल्ट कन्वेयर कन्वेस मटेरियल ऑफ एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.09 मीटर स्क्वायर ऑफ बल्क डेंसिटी 1.5 टन पर मीटर क्यूब. At speed 2 meter per second, the carrying capacity of the belt in ton per hour is. तो question में average cross section area of material दिया है 0.09 meter square, bulk density दिया है 1.5 ton per meter cube, speed दिया है 2 meter per second. Belt का load carrying capacity निकालना है. ध्यान में रखिएगा, carrying capacity of belt conveyor is equals to A multiplied by B multiplied by V ton per second. जहाँ A का मतलब है एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल जिसका वैल्यू दिया है 0.09 मीटर स्क्वायर, B का मतलब है बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिसका वैल्यू दिया है 1.5 टन पर मीटर क्यूब, जबकि V का मतलब है स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट जिसका वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकंड. अब यदि A, B और V का वैल्यू फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो T का वैल्यू आएगा 0.027 टन पर सेकंड. बट क्वेश्चन में बेल्ट कैरिंग कैपेसिटी टन पर आवर में पूछा है, तो टन पर आवर में निकालने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फाइनली आंसर आएगा 972 टन पर आवर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट इज 972 टन पर आवर. तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए ड्राइव शाफ्ट ऑफ एन इंजन डेवलप्स टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर. इट रोटेट्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 50 rpm. द पावर ट्रांसमिटेड बाई द शाफ्ट इन किलोवाट इज. क्वेश्चन में दिया है टॉर्क डेवलप्ड इन ड्राइव शाफ्ट इज इक्वल टू 500 न्यूटन मीटर, जबकि एंगुलर स्पीड दिया है 50 rpm. rpm को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 से 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे. फाइनली एंगुलर स्पीड आ जाएगा 5.23 रेडियन पर सेकंड. पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट ये निकालने बोला है, तो अपने को पता है पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. क्वेश्चन में देखिए, ना तो फोर्स दिया है ना ही स्पीड दिया है. स्पीड जो दिया भी है वो रोटेशनल स्पीड दिया है. बट हमें पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस एफ. यहाँ से एफ निकालेंगे टॉर्क डिवाइडेड बाय आर. वैसे ही वी इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर. अब आप यदि एफ और वी को पावर के फॉर्मूले में रखते हैं तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू ओमेगा टाउ. अब ओमेगा यानी रोटेशनल स्पीड का वैल्यू 5.23 और टाउ यानी टॉर्क का वैल्यू 500 पुट कर देंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.615 किलोवाट. So that's all for today. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share this video and subscribe our YouTube channel Mining Gyan for more mining related videos.